Good morning class, hope you all are doing good. So today what we are going to do is we will be doing artificial intelligence. Okay, emerging trends में ही आपका next topic आता है artificial intelligence. So artificial intelligence is made up of two words, one is artificial and another is intelligence. Artificial means man-made, intelligence means thinking power, hence AI is a short form of artificial intelligence, means a man-made thinking power. कोई भी चीज़ जो इंसान ने ने बनाई है, तो कुछ भी चीज़ man-made होती है, हम उसको artificial बोलते हैं ना. So artificial intelligence is any man-made thing which has some thinking power. ठीक है, any artificial thing which has a thinking power, or we human ask that अपने अपनी सहूलियत के लिए हम उससे अपने काम करवाने के लिए, अपने डेली लाइफ को, अपनी लाइफ को ईजी करने के लिए हम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जिस्ट, दे आर अ मशीन कैन हैव ह्यूमन बेस्ड स्किल्स सच एज लर्निंग, रीजनिंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? कोई भी मशीन जो कि ह्यूमन बेस्ड स्किल, जिसके अंदर ह्यूमन ने अपनी कुछ स्किल्स डाल के रखी है, जैसे कि हम लर्न कर सकते हैं, हम रीजनिंग कर सकते हैं, हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर किसको कहा गया है? जॉन मैकार्टे. ही सेज दैट साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग आर्टिफिशियल, सॉरी, फॉर मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स. ठीक है, सो हु इज़ अ फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने बनाई थी? जॉन मैकार्टे ने. और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं साइंस और इंजीनियरिंग क्या है? एक कॉम्बिनेशन बनाता है, वो यूज़ किया जाता है कुछ इंजीनियरिंग करके, उसको एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, और साइंस यूज़ करके उसके अंदर ह्यूमन स्किल्स, जैसे कि लर्निंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डाला जाता है. ठीक है, ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट, किस लिए? मशीन्स को बनाने के लिए. नाउ विल सी, देयर मस्ट बी सम गोल दैट व्हाई वी मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है, सबसे पहला तो ये कि हम अपनी डेली लाइफ को, अपनी ह्यूमन, अपनी लाइफ को ईजी करने के लिए AI को बनाया. ठीक है, गोल्स ऑफ AI, टू क्रिएट एक्सपर्ट सिस्टम्स बनाने के लिए, जो कि क्या कर सके? इंटेलिजेंट बिहेवियर जिसका हो, जो याद कर सके, डेमॉन्स्ट्रेट, एक्सप्लेन एंड एडवाइस इट्स यूज़र. Fine, to implement human intelligence in machines, creating systems that can understand, think, learn and behave like humans. ठीक है, जो क्या कर सके? सोच सके, याद कर सके और इंसानों की तरह बिहेव कर सके. So we can say that the robots are the best example for AI. कोई भी एक ऐसी मशीन हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि याद रख सकती है, रीजन कर सकती है, या चीज़ों को क्या कर सकती है? प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है. अब नाउ विल सी दैट वे वी यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहाँ पे अप्लाई किया जाता है. गेमिंग में किया जाता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में किया जाता है, एक्सपर्ट सिस्टम, विजन सिस्टम्स देखने के लिए, स्पीच के लिए, हैंड रिटन रिकॉग्नाइज करने के लिए, इंटेलिजेंट रोबोट्स. ठीक है, गेम्स के लिए, जैसे कि आप ये PUBG एंड ऑल इस तरीके के जो गेम्स खेलते हैं, उसमें वी यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. विजन सिस्टम्स, स्पीच सिस्टम, स्पीच को रिकॉग्नाइज करके हमारा मशीन कुछ ओपन होती हैं, हमारी फिंगर से हमारी अटेंडेंस मशीन्स जो होती हैं. ठीक है, स्पीच और आपकी विजन, आईज से फ़ोन्स, देर आर सो मैनी फ़ोन्स अवेलेबल इन द मार्केट वेयर आपकी जो आई के अंदर जो रेटना होता है, उसी से वो फ़ोन ओपन होता है. सो दैट इज़ वॉट, दैट इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन डिसिप्लिन सच एज कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? इज़ अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. अभी मैंने आपको बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ मिक्स ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग बेस्ड ऑन डिसिप्लिन. किसके ऊपर बेस है? कंप्यूटर साइंस के ऊपर बेस हो सकता है, बायोलॉजी पर, साइकोलॉजी पर, लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग. So let's see what is the difference between normal programming and AI programming. Normal and AI programming ke beech ke differences kya hai? Input kya hai? Is a sequence of alphanumeric symbols presented and sorted as per some given set of previous stimulated. Ye aap log pad lenge
नॉर्मल जो रेगुलर प्रोग्रामिंग होती है उसमें क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स होता है, जैसे कि जो प्रोग्रामिंग हम करते हैं, ठीक है, यूजिंग अ माउस, कीबोर्ड एट्सेट्रा. एआई प्रोग्रामिंग क्या है, इनपुट मे बी साइट, जैसे कि आईज मैंने भी आपको बताया, उसमें इनपुट क्या दिया जाता है, हम अपनी आई का रेटिना की इमेज उसमें देते हैं, या अपनी फिंगर, या हम टच, या टच, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, ठीक है, टच करते हैं, हमारा फ़ोन ओपन हो जाता है, राइट, फिंगरप्रिंट की हेल्प से प्रोसेसिंग. अब उसके अंदर प्रोसेसिंग क्या होती है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि कंप्यूटर के अंदर क्या, पहले इनपुट होता है, देन प्रोसेस होता है, एंड देन आउटपुट होता है. तो इसी तरीके से नॉर्मल प्रोग्रामिंग, ठीक है, हमने दे दिया प्रोग्राम, उसके बाद उसके अंदर प्रोसेसिंग क्या है, मैनिपुलेशन हुआ, 2+2 को उसने 3 कर दिया, 2+2 को उसने 4 कर दिया. अब सेम ऐसे ही AI प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होगी, उसने हमने जो उसको फिंगरप्रिंट दिया तो वो उसको मैच करेगा अपने एग्जिस्टिंग के अंदर कि क्या ये फिंगरप्रिंट जो मुझे अभी रिसीव हुआ है, ये एग्जिस्टिंग जो मैंने सेव करके रखा है, क्या उससे मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है, ठीक है, उससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है. सो दिस इज़ द प्रोसेसिंग इन AI प्रोग्रामिंग. नाउ विल सी व्हाट विल बी द आउटपुट इन नॉर्मल प्रोग्रामिंग. आउटपुट इज अ सीक्वेंस, क्या आउटपुट मिलेगा, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स हमें रिसीव होंगे, है ना, या जो हमने उसको 2+2 दिया था वो हमें एज अ आउटपुट 4 में दे देगा. एंड AI में क्या आउटपुट आएगा कि ठीक है, उसने देखा ओके, जो फिंगरप्रिंट मुझे मिला है दैट एक्चुअली मैचेज वट एवर फिंगरप्रिंट इज सेव्ड इन टू माई सिस्टम, फाइन, तो उसको वो क्या कर देगा, फ़ोन को ओपन कर देगा, आउटपुट ये होगा. नाउ विल सी वट आर द एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खुद से सोचेंगे थोड़ी, ये हम रटे हुए चीज़ें नहीं लिखेंगे, देर आर सो मेनी थिंग्स हियर वाइल वी आर राइटिंग द थ्योरीज, फाइन, वी कैन वेरी ईजिली थिंक ऑफ इट्स, थिंक ऑफ द टॉपिक एंड देन वी कैन राइट डाउन द एडवांटेजेस. इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी दैट यू विल राइट द बुकिश लैंग्वेज, ठीक है, बट यूजफुल फॉर रिस्की एरियाज, डिजिटल असिस्टमेंट, यूजफुल एज अ पब्लिक यूटिलिटी, फाइन. सो ये सब है. नाउ वी हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइडेड इनटू 3 सब फील्ड्स. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज AI इटसेल्फ, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग. नाउ वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग क्या है, सिस्टम, मशीन को लर्न करना, मशीन के बारे में अध्ययन करना, इज प्रॉपर हिंदी, टिपिकल हिंदी विल टॉक अबाउट. सो व्हाट इज मशीन लर्निंग, डेटा एंड आउटपुट. अब आप देख रहे हैं डेटा और आउटपुट साथ में कैसे जा रहा है, ऑफ ए कंप्यूटर एंड देन द रूल्स. नाउ विल डिस्कस हाउ इट वर्क्स. मशीन लर्निंग इज अ सिस्टम दैट कैन लर्न फ्रॉम एग्जाम्पल्स थ्रू सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली कोडेड बाय द प्रोग्रामर, ठीक है. आपने आई डोंट नो यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट इट और नॉट, देर आर सो मेनी पीपल हु वर्क्स इन सम मशीन्स काइंड ऑफ थिंग, लाइक सैमसंग में कोई काम कर रहा है, फाइन, एंड ही वॉन्ट टू लर्न मशीन लर्निंग. तो वो क्या करेगा, वो किसी कंपनी में जाएगा. अब मशीन लर्निंग के बारे में कि एक्चुअल में जो हमारी AI होती है वो किस तरीके से काम करती है. सो देयर द कोडिंग, द प्रायर नॉलेज ऑफ कोडिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, प्रायर नॉलेज ऑफ कोडिंग इज़ नॉट दैट रिक्वायर्ड, फाइन. तो क्या करते हैं, मशीन लर्निंग क्या है, एक सिस्टम है जो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट को सीख कर explicitly coded by the programmer and as its names it gives the computer that make it more similar to human, fine, data output and then the computer of it rules, fine. Then we have where we use the machine learning. कहाँ पे हम machine learning को use करते हैं, image recognition में, speech में, traffic prediction, product recommendations, self-driving cars, email spam, मतलब कि ठीक है यहाँ पर इन सब जगहों पर हम मशीन लर्निंग को यूज़ करते हैं. इसमें बच्चे प्रायर आपके पास कोडिंग की नॉलेज नहीं भी होगी तो भी आप मशीन लर्निंग सीख सकते हैं. इसके अंदर पाइथन के अंदर बहुत ज़्यादा, जैसे कि पाइथन इज़ अ लैंग्वेज वेयर द पर्सन हु डोंट हैव प्रायर नॉलेज ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही कैन वेरी ईजिली लर्न अबाउट इट. तो इसीलिए पाइथन का आजकल इतना बोलबाला इसी रीज़न से है, क्योंकि मशीन लर्निंग, पाइथन इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट और मशीन लर्निंग का ज़माना है आजकल, ठीक है. मतलब किसी को अगर वॉइस रिकॉग्निशन कैसे होता है, इमेज रिकॉग्निशन कैसे होता है, ये सब चीज़ों के बारे में रीड आउट करना है. सो ये क्या है, दिस इज़ मशीन लर्निंग. तो यहाँ पर हम मशीन लर्निंग को यूज़ करके हम इस तरफ अपनी
फील्ड को ले जा सकते हैं। हाउ मशीन लर्निंग वर्क्स, ठीक है, मशीन लर्निंग देखते हैं कैसे वर्क करता है। ये देखो, ये एक चार्ट है, अनसुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग, दो तरीके की मशीन लर्निंग है, एक है सुपरवाइज, दूसरी अनसुपरवाइज। सो अनसुपरवाइज इज वॉट, ग्रुप एंड इंटरप्रिटेड डेटा बेस्ड ओनली ऑन इनपुट डेटा, ठीक है, कैस पे आपके इंटरप्रिटेट कैसे करता है आपके इनपुट जो आपने दिया है। सुपरवाइज्ड में क्या होता है, डेवलप प्रिडिक्टिव मॉडल बेस्ड ऑन बोथ इनपुट एंड आउटपुट डेटा, क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। इसके बारे में थोड़ा मैं जिस दिन आपकी ऑनलाइन क्लास लूँगी और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन आप देख लेंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, व्हाट डज इट मीन। द IoT कॉन्सेप्ट वॉज इनिशियली प्रोसेस्ड बाय अ मेंबर ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट कम्युनिटी 1999, दिस इज जस्ट अ हिस्ट्री ऑफ इट, ये हम देख लेंगे खुद से। उसके बाद इंटरनेट कॉन्सेप्ट, इंटरनेट मीन इंटरनेट ऑफ पीपल। उसके बाद क्या है, IoT कनेक्ट्स ऑल थिंग्स मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरकनेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब IoT क्या है, सेंसर्स, मोबाइल्स, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इंटरनेट ऑफ पीपल, इंटरनेट किसके लिए है, लोगों के लिए है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स कौन सी, टेक्नोलॉजी आ जाएगी उसके अंदर, जैसे कि हमारे प्रॉपर डिवाइसेस, हमारे सॉफ्टवेयर। और इंटरनेट ऑफ थिंग में क्या आ जाएगा, सेंसर्स, मोबाइल फोन्स एंड डिवाइसेस एंड अदर एग्जिस्टिंग, जिसके थ्रू हम, इंटरनेट के थ्रू हम एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सके, वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, ठीक है। और इंटरनेट ऑफ पीपल, लाइक इंटरनेट ऑफ पीपल किसके लिए, हम लोगों के लिए है, मशीन्स एक्सेट्रा यूज़ करने के लिए। नाउ वी हैव मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरी लार्ज स्केल, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, हाउ डज द इंटरनेट ऑफ थिंग्स वर्क। बेटा ये कंप्लीट थ्योरी है, इसको हम खुद से भी पढ़ सकते हैं, इतना चीज़ें ये यहाँ तक, टिल व्हाट इज़ प्लेटफॉर्म, ये एक इमेज है। ये बेटा ये जो आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स है ना, ये वाला जब टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगी, लास्ट वाला आपका सोशल वो एथिक्स, उसके अंदर ये आपका IoT आ जाएगा। सो देयर आई विल एक्सप्लेन, क्योंकि इसके पहले और कुछ चीज़ें हैं जो हमें पढ़ने की ज़रूरत होंगी। फाइन, ये फाइल आप लोगों के पास ऑलरेडी है, ये PPT, आप इसको देख लीजिएगा, और अगर कुछ भी चीज़ जो मैंने आज बताई नहीं क्लियर है, प्लीज़ डू लेट मी नो। टेक केयर, बाय बाय।